कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः हे देवी प्रणमामि प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवतये नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरि के दर्शन सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जगत में क्यों आए, कहते दो गौण कारण और दो मुख्य कारण, और दो मुख्य कारण में एक मुख्य में एक गौण और एक मुख्य में एक मुख्य है। आज हम लोग श्रवण करेंगे महाप्रभु इस जगत में जो आए वो मुख्य में क्या मुख्य कारण है। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते श्री यहाँ पर श्री कहते हैं बोले श्री राधाया प्रणम महिमा की दुर्सा बा नैवा स्वाद जना अद्भुत मधुरी माम की दृश्य बा मदीय सख्य चास्या मदन भवत किद्री सबे तिलवाद तद भावाठ समजनी सचि गर्भ सिंधो हरिंदु। इसमें कह रहे हैं कदी ये मुख्य में ये मुख्य कारण है। क्या मुख्य कारण है, बोले श्री राधा रानी का प्रेम का महिमा क्या है और किद्रिसभा कहते हैं और मेरे अंदर में जो माधुरी माँ मेरे जो माधुर्य वो कैसे है और मेरे माधुर्य को श्रीमती राधा रानी ये कैसे आस्वादन करती हैं। कहते यह चीज को आस्वादन करने के लिए सचिनंदन गौर हरी इसी कलयुग में अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कहते कृष्ण जब इसी जगत में आए कहते ऐ मत पूर्वे कृष्ण रसर निदान यद्यपि करिल रस निर्जास चर्बण तथापि नहिल तिनि वांछित पुरण तहा आस्वादित यदि करिल जतन। कहते जब कृष्णा इसी जगत में आए और अब आकर क्या किए, कहते इन्होंने रस का जो निर्जास को उन्होंने चर्वण किया। कहते भैया रस निर्जास क्या है, कहते प्रेम रस निर्जास करिता आस्वादन। कहते प्रेम का जो निर्जास मतलब प्रेम का जो सार है इसी जगत में कृष्णा आकर के उन्होंने सब कुछ उन्होंने आस्वादन किया है। कहते वो क्या चीज है, कद विशेष करके ब्रज में तीन मुख्य रस है, कद एक सख्य रस है और एक बात्सल्य रस है और एक श्रृंगार रस है।
कहते कृष्ण, कहते कृष्ण कौन है, बोले कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। कृष्ण कहते ये ईश्वर है, ये कृष्ण है, और कृष्ण कहते जितने सारे कारणों का जो मूल कारण है ये कृष्ण है, और जिनकी एक इच्छा मात्र से ही कहते जस्य प्रभव प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिसु अशेष वसुधाति विभूति वर्णम, कहते जिनका केवल एक इशारा होने पर इशारा में ही ये विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाता है, केवल एक जिनकी इशारा पर, बोले शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यामे हैं, बोले यद्यपि समाधिसु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीचि, इसलिए ब्रह्मा भी तपस्या को द्वारा जिनके चरण की नख की छटा तक को भी जो दर्शन नहीं कर पाते हैं, और जिनकी इच्छा से ही कहते हैं ना तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार तुम्हारा इच्छा विश्व श्री जना संहार सब इच्छा मते ब्रह्मा कर न पाना तब इच्छा मते विष्णु कर न पलना तब इच्छा मते शिव करीना संहार तब इच्छा मते माया सृजकार गार। श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हे प्रभु कृष्ण कौन है, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र नंदन तुम्हारी इच्छा है विश्व सृजन संहार, तुम्हारी इच्छा से ही जगत में सृष्टि स्थिति प्रलय होता है, आपकी इच्छा से ही ब्रह्मा जगत का सृष्टि करते हैं, विष्णु जगत को पालन करते हैं, शंकर जी जगत को संहार करते हैं, और माया आपकी इच्छा से ही जगत को ये कारागार बना कर रखे, ये भगवान कृष्ण है। कहते ब्रह्मा शंभु अमरपति गणेशार्चित पद, जिनकी चरणों को ब्रह्मा शंकर नारद इंद्र चंद्र हम महालक्ष्मी भी जिनकी चरण की सेवा करते, इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं, कहते कृष्ण कहते मैंने ये भगवान होते हुए भी मैंने क्या किया, अपना सारे भगवता को हमने छोड़ करके मैंने सखाओं का सखा बन गया है, सखाओं का मैंने सखा भी बन गया, जैसे सखा लोग जंगल में गए देखा पेड़ गोबर में कोई फल है, सखा लोगों ने क्या किया एक गोल राउंड बना दिया पांच छह और उसके ऊपर में तीन चार उसके ऊपर में तीन उसके ऊपर दो और इसके ऊपर में एक उठ करके वो पके हुए फल को उतार उतार करके उन्होंने एक बार खा लिया बोले बड़ा मीठा है, तो दूसरे सखा को दिया वो भी खा लिया बोले बड़ा मीठा है, तीसरे सखा दिया वो भी खा लिया वो तो मीठा है, ऐसे करते करते लास्ट में जब कृष्ण के पास में आए ना तो गुठली आया, क्या गुठली समझते, इसलिए टाकुआ कहते गुठली आवा, कृष्ण उसको खा करके बोले इतने बड़ा मीठो आप तुम, हाँ तुम सबके सब खा लिए हैं सबके सब तुम लोग ने खा लिए हो लेकिन आम तो बड़ा मीठा है, कहते कृष्ण भगवान होकर क्या किया सखाओं का सखे रस को उन्होंने आस्वादन किया, भगवान होकर के कृष्ण कहते वात्सल्य रस को उन्होंने आस्वादन किया, मैया जिनको गोद में बैठा करके दूध पिलाती थी मिनट मिनट में कृष्ण मचल जाते थे, मैया को भूख लग रही है हैं भूख लग रही है, कृष्ण को मैया गोद में लेकर सोती थी डांटती थी डपटती थी उनको शासन करती थी, और कृष्ण भगवान होते हुए भी ब्रज गोपियों को प्रेम में भगवान क्या किया उनका प्रेम में वशीभूत होकर के भगवान ने रास रचाया, जिनके चरण में प्रेम की भीख मांगी, और जब राधा रानी जब मान करती थी कृष्ण कहते हैं मेरे को गिरिराज गोवर्धन उठाने में जितना शक्ति नहीं लगा, अघासुर बकासुर को मारने में जितना शक्ति नहीं लगा, जब राधा रानी मान करती है ना है
तो उनको मनाने के लिए पता नहीं मेरे को कितने ताकत लगता है, कितने ताकत लगता है। इसलिए कृष्ण सोच रहे मैंने इसी जगत में आया और आकर के मैंने क्या किया, बोले रस का जो निर्जास है, रस का जो सार, मैंने सारे रस का मैंने आस्वादन किया है, लेकिन करते हुए भी लेकिन मेरे अंदर में तीन बांछा मेरे अंदर में अधूर रह गया। तीन बांछा को मैंने पूरी नहीं कर पाया है, मैंने पूरी नहीं कर पाया। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो तीन बांछा को पूरी करने के लिए तीन बांछा किया है, राधा रानी का प्रेम का क्या माधुर्य है, और कृष्ण का अंदर में जो वो जो सुंदर कृष्ण रूप है, वो कृष्ण की जो सुंदरता, वो कितने सुंदरता है, और श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रेम रस आस्वाद जो आनंद प्राप्त कैसे कहती, ये तीन चीज को आस्वादन करने के लिए कलि युग में श्री चैतन्य महाप्रभु श्री सची मैया को गर्भ को आश्रय करते हुए जन्म ग्रहण किए। इसलिए यहाँ पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, बोले ये सब सिद्धांत कहते ना जुआए, ना कहले केह यार अंत नहीं पाए। कहते जो सिद्धांत है ना, कहते भैया हमारे उड़ीसा में कहते ना हाटर मध्य ब्रह्म ज्ञान है, हाटर मध्य ब्रह्म ज्ञान, जो सिद्धांत है ये सिद्धांत हर व्यक्ति समझने वाले नहीं, ये चीज को हर व्यक्ति नहीं समझ सकते। एक समय वृंदावन में बहुत बड़े एक विद्वान की सभा हुई, विद्वान की सभा में वहां पर श्री श्री संप्रदाय के कुछ लोग भी थे, लेकिन एक गौड़ीय संप्रदाय का है एक साधु था। अभी उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय का जो साधु, उसने राधा रानी कैसे मान की हुई है, सेवा कुंज में कैसे राधा रानी मान की, और श्याम सुंदर उनको मनाने के लिए कितने कोशिश कर रहे हैं, है? कितने कभी माली हरिणी, पता नहीं कृष्ण क्या क्या रूप धारण करते हुए राधा रानी को मनाने के लिए चाह रहे हैं। जब राधा रानी मानी नहीं, इतने में श्याम सुंदर ने किया कि राधा रानी को मनाने के लिए एक उन्होंने सुंदर गंधर्वणी का रूप धारण किया, अद्भुत गंधर्वणी, और उन्होंने कृष्ण इतने सुंदर राग को गाया करके वृक्ष से पुष्पों से मधु झरना शुरू हो गया, पत्थर पिघलना शुरू हो गया, सारी हैं कहते ने तेज वारी मृदाम जथा विनिमयो चत्र त्रिसर्ग वृषा, भगवान की माधुर्य में जहाँ पर चंद्रमा एक जगह पर खड़ी हो जाती है जब कृष्ण बंसरी बजाते हैं, और जहाँ पर जमुना उल्टी बहने लग जाती है, जहाँ पर गिरिराज द्रवीभूत हो जाते, कृष्ण इतने सुंदर उन्होंने राग गाए, अरे राधा रानी का हृदय भी पिघल गया, क्योंकि उनका नाम ही तो कृष्ण है ना, कृष्ण मतलब क्या है, सबको जो वो आकर्षण करके जो सबको जो अभी इसको सुन करके राधा रानी का हृदय तो एकदम पिघल पिघल गया। राधा रानी ललिता को कहते, ललित ये बताओ, और ये सब व्यवस्था ललिता सखी ने किया, जब कृष्ण ललिता को पूछे, बोले ललिता अभी बताओ, मैं तो राधा रानी को मनाते मनाते थक गया, और लास्ट में कृष्ण राधा रानी को कैसे मनाते, बोले 10 तरह से कोशिश करते, जब राधा रानी मानती नहीं, कृष्ण सीधा राधा रानी के चरण में लेट जाते, लास्ट में उनको लेट जाते, तब भी राधा रानी मानी नहीं, बोले बताओ क्या करे, ललिता स्वयं परामर्श दी, बोले आप जैसे कृष्ण राधा जी विरह में आप दुखी हो, राधा भी आपका विरह में दुखी है, क्योंकि राधा रानी तभी प्रसन्न होगी जब आपसे मिले, नहीं तो राधा रानी का मन कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए बोले ये गंधर्वणी रूप धारण करते हुए राग रागिणी गाओ, इसको सुन करके राधा रानी का हृदय तो एकदम शांत हो गया। राधा रानी ने पूछा, ललित ये बताओ, इतने सुंदर ये राग रागिणी कौन गा रहे हैं, ये कौन गा रहे हैं, जिसको राग सुन करके मेरे हृदय एकदम सुशीतल हो गया, जा उसको बुला करके ले आ। अभी राधा रानी अभी ललिता गई और कृष्ण को बुला करके, और राधा कृष्ण गंधर्वणी सुंदर गंधर्वणी रूप धारण किए, कृष्ण एकदम अद्भुत रूप। इतने में राधा रानी ने पूछा, बोले तुम कौन हो, बोले स्वर्ग से मैं एक गंधर्वणी हूँ, बोले तुम इतने सुंदर राग गाती हो, बोले और क्या कला तुम्हारे अंदर में,
बोले मैं जिनकी शरीर को श्रृंगार करती हूँ उनका हृदय की सारे व्यथा दूर हो जाता है, और जिनकी चरण की मैं सेवा करता हूँ उनका सारे व्यथा उसकी दूर हो जाता है। इतने में बोले मैं भी कृष्ण विरह में बड़ी दुखी हूँ। इतने में बोले मेरे को श्रृंगार कर सकते हो? इतने में श्याम सुंदर स्वयं राधा जी की है सुंदर श्रृंगार करके जब उन्होंने राधा रानी की चरण को दबाए, चरण जब दबाए कृष्ण राधा रानी क्यों दुखी थी? कृष्ण विरह में, लेकिन जब कृष्ण की बात सुनी है, मिष्टी मिष्टी मीठी मीठी बात सुनी, और कृष्ण का जब उनको चरण की सेवा करते ही राधा रानी के हृदय की सारी व्यथा दूर हो गई, सारी व्यथा दूर हो गई जब उन्होंने राधा रानी के चरण की सेवा की। जब सेवा की इतने में राधा रानी ललिता को इशारा करती है, बोले ये बताओ इसको साथ में बात करने में मेरे को इतना अच्छी क्यों लगता है, और इनकी शरीर का स्पर्श करते ही हृदय की सारी व्यथा कैसे दूर हो गई? लेकिन तब तक मेरे हृदय की व्यथा दूर नहीं होगी जब तक मैं श्याम सुंदर से नहीं मिलती हूँ, लेकिन इनसे बोलने के मुझे अच्छी लगती है, इनकी शरीर का स्पर्श से हृदय की सारी व्यथा दूर हो गया, ये कौन है? इतने में ललिता इशारा किया, बोले देखो ये और कोई नहीं श्याम सुंदर, तुम्हें मनाने के लिए ये गंधर्वणी रूप धारण की। इतने में बोले इनका रूप को कैसे खोला कैसे जाएगा? इतने में राधा रानी बोले देखो सखी तुम्हारी बात में तुम्हारी सेवा में संतुष्ट हो गई, अभी तुम हमारे साथ में रहा करो, लेकिन तुम जो कपड़ा पहनी है ना ये बड़े गंदे कपड़ा है, हम लोग राजकुमारी देखो कितने सुंदर सुंदर कपड़ा पहने हैं, एक काम करो तुम अपना कपड़े को बदला लो, कपड़ा बदलाने पर पता चल जाएगा ये कौन है। इतने में कृष्णा तो इधर उधर झांकने लग गए, बोले सारे मेरे पोल पट्टी खोल जाएगा। इतने में बोले नहीं मैं यही कपड़ा पहन करके रहूंगी। बोले अरे लड़की लड़कियों में लड़की के अंदर में कपड़ा बदलाने में कोई थोड़ी शर्म है, यहाँ तो कोई लड़का नहीं सब लड़कियां हैं, अभी तो कृष्ण बदलाना नहीं चाहते, कृष्ण को तो चोर जबरदस्ती पकड़ लिए, जब पकड़ लिए उनको जो ऊपर का जो कपड़ा था ना जब खोले, इतने में देखा वो श्री सुंदर है। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल वहां पर विद्युत फल को खाते हैं, कहते उसी तरह कहते जो रसिक है वो क्या करते हैं, वो कोयल बन करके आम का जो फूल में जो मधु है वो मधु का आस्वादन करते हैं। लेकिन यहाँ पर उदाहरण देते हैं, लेकिन जो उष्ट है ऊंट है वो सब सिद्धांत को ऊंट नहीं समझ सकते हैं, ऊंट तो बबलू का पेड़ में जो कांटा है ना वही खाते रहते हैं। इसलिए यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कहते भक्त लोग तो कोकिल कोयल के सदृश है, लेकिन जो अभक्त है वो उष्ट है, ये ऊंट का इसमें प्रवेश नहीं, वो तो कांटा खाने वाले। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो ये सकल कथा गौर नित्यानंद भक्तेर आनंद विधायक, कभी जो कथा है राधा कृष्ण की जो प्रेम कथा वो कौन समझ सकता है, कभी जो महाप्रभु की धारा में जो आए हैं है? महाप्रभु की धारा में जो आए हैं वही लोग ही ये रस को वही समझ सकते हैं, ये रस को सभी नहीं समझ सकते हैं। इसको इसलिए कहते आम्र पल्लव पम कोकिल जरूप समादर करे तद्रूप भक्तगण यहाते परम प्रति लाभ करे पख्यांतरे उष्ट जरूप कंटक आदि द्वारा जीवा के क्षत विघत है क्षत विख्यत ना कराई आम्र पल्लवादि खाईते वासना करे ना तद्रूप अभक्त कर्मी ज्ञानी और अन्य विलासी मिच्छा भक्त रूपे उष्ट्रगण ये सकल सिद्धांत कुतर्क को निर्माण कहते सिद्धांते हैं सिद्धांत में ये प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं जो भक्त है ना जो केवल महाप्रभु की रसधारा में जो आए हैं राधा कृष्ण की जो जुगल उपासना करते हैं वही लोग ही ये रस को आस्वादन कर सकते हैं, लेकिन जो कर्मी ज्ञानी जोगी भोगी अन्य विलासी ये चीज को आस्वादन नहीं कर सकते हैं। अब ये प्रश्न यह आता है फिर जब कृष्ण गोलोक वृंदावन में है अभी कृष्ण गोलोक वृंदावन में बैठे हुए जब इसी जगत में आए
उनने सारे रस को उन्होंने आस्वादन करके जब कृष्ण गोलोक वृंदावन में चले गए, एक दिन कृष्ण निकुंज में बैठे हुए और निकुंज में बैठे बैठे करके सोच रहे हैं, कहते भैया मैंने तो जीवन में सारे रस का मैंने तो आस्वादन किया है, लेकिन एक चीज को मैंने आस्वादन नहीं कर पाए, वो क्या है? राधा रानी का प्रेम का क्या महिमा है, मेरे अंदर में क्या माधुर्य है। अब राधा रानी जब मेरे माधुर्य को आस्वादन करती हैं, उनको क्या सुख होता है, कहती ये तीन चीज को मैंने आस्वादन नहीं कर पाए। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं, कृष्ण चिंता हमें पूर्णानंद रस रूप, कृष्ण सोच रहे मैं कौन हूं, कहते मैं पूर्ण हूं, मैं पूर्ण हूं और क्या है, कहते मैं रस स्वरूप हूं, जैसे नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अविरणत्वात् नामना। इसलिए कृष्ण पूर्ण रस स्वरूप आनंद स्वरूप अखिल रसामृत मूर्ति रस बैस है, रस बैस कृष्ण। अभी कृष्ण सोच रहे हैं सारा दुनिया मेरे से आनंद को लेकर के आनंदित होते हैं, है? मेरे से आनंद को लेकर आनंदित होते हैं, लेकिन मैं मुझे जो आनंद प्राप्त होता है, लेकिन मेरे से राधा रानी को कितना आनंद प्राप्त होता है, कितना आनंद प्राप्त होता है, कोटि गुण। मुझे जो आनंद प्राप्त राधा जी को, मेरे से कोटि गुण आनंद प्राप्त होता है, हैं? कोटि गुण आनंद प्राप्त होता है। कहते मेरे जो बंसुरी ये विश्व ब्रह्मांड को आकर्षण करता है, बोले त्रिजगत मानस आकर्षी मुरली, बोला मुरली कलकुजित। इसलिए कृष्ण कहते मैं जो बंसुरी बजाता हूँ, ये बंसी ध्वनि इतने मीठा है, बंसी ध्वनि इतने मीठी बंसी ध्वनि, इसलिए भागवत में पूरा के पूरा एक वेणु गीत, पूरा के पूरा एक वेणु गीत को वहां पर सुखदेव गोस्वामी गाए, इतने सुंदर बंसी की। कहती है विश्व ब्रह्मांड में रूप गोस्वामी, कहते जितने म्यूजिक है जगत में, जितने म्यूजिक, कहते उनका सारे माधुर्य को एक तरफ कर दो, कहते जो बंसुरी की माधुर्य को जब एक तरफ में करेंगे, उदाहरण देते हैं बंसुरी का माधुर्य कैसे, बोले एक अथा समुद्र जैसे, अथा समुद्र जैसे, लेकिन अथा समुद्र का जैसे एक बूंद है। कहते विश्व ब्रह्मांड में जितने म्यूजिक है, उसका माधुर्य को अगर एक करोगे ना, उसका एक बूंद में ही समा जाए। इतने बंसुरी की आवाज में इतने ताकत है, हैं? इतने ताकत बंसुरी की आवाज में, वृक्ष से मधु झरना शुरू हो जाता है, पक्षियां सब के सब मुनि बन जाते हैं, आकाश में मेघ छा करके फुहरा जैसे कृष्ण के ऊपर में बारिश बरसाते हैं, गैया घास खाना भूल जाते, बछड़े दूध पीना भूल जाते, गिरिराज गोवर्धन एकदम द्रवीभूत हो जाते हैं, चंद्रमा जहां के तहां खड़ी हो जाती है चंद्रमा ऐसे। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं भैया मेरे बंसी ध्वनि सुन करके विश्व ब्रह्मांड आकर्षण होते हैं, लेकिन मैं जब राधा रानी की गला की आवाज को सुनता हूँ, पता नहीं राधा रानी की गला में आवाज में क्या ताकत है, उसकी गला की केवल आवाज सुनते ही इतने मीठी राधा रानी की गला की आवाज, मैं स्वयं मुग्ध हो जाता हूँ, मैं स्वयं मुग्ध हो जाता हूँ। और मेरे जो रूप है, हैं? कहते मेरे जो रूप है इतने सुंदर, मेरे रूप है, हैं? इतने सुंदर मेरे रूप, इतने सुंदर मेरे रूप को देख लक्ष्मी स्वयं बोले बिहाय कमान सुचिर धृत व्रता। कृष्ण इतने सुंदर, कृष्ण लक्ष्मी स्वयं बेल वन में अभी भी बैठी करके तपस्या कर रहे हैं, बोले क्यों, बोले कृष्ण की सुंदरता को देख करके इतने मुग्ध कृष्ण को पाना चाहती हैं। कहते लक्ष्मी की बात छोड़ दो, लक्ष्मी की बात छोड़ दो, नारायण क्या करते, बच्चों को चोरी करना शुरू करते। नारायण ने क्या किया था, बच्चों को चोरी किया था, बोले क्यों, बोले कृष्ण को दर्शन करने के लिए, ये नारायण हमारे, हाँ इसलिए कहते नारायण, कहते ये द्वारका की कथा है। बोले एक समय जब कृष्ण द्वारका में राजत्व कर रहे थे, करते समय एक ब्राह्मण का बच्चा होता है, लेकिन बच्चा होते ही मर जाता है, बच्चा होते ही मर जाता है। एक समय कृष्ण का सभा लगी हुई थी, जब कृष्ण जिसमें थे
प्रद्युम्न अनिरुद्ध सबके सब वहां पर थे हैं, और बलदेव प्रभु थे, और किसी कारण से अर्जुन वहां पर थे। अभी ब्राह्मण का एक बच्चा जो मर गया, मरते ही बच्चा तो बच्चे को लाया और कृष्ण के सामने पटक दिया। बोले कृष्ण तेरे अधर्म का वजह से, क्यों राजा है कृष्ण अभी, कहते अगर राजा रहते हुए अगर कोई अराजकता आती है, कहते ये राजा का पाप का कर्म का फल से। बोले तुम अभी राजा हो, तुम्हारी पाप से मेरे बच्चा मर रहा है, और इतने सारे बच्चे मरे। कृष्ण को सामने पटक दिया, कृष्ण को गाली गलौज करना शुरू कर दिया। इतने में वहां पर अर्जुन बैठा हुआ था, अर्जुन को तो ताव आ गया, मेरे सखा को इतने दुर्वचन। अर्जुन ने कहा कोई चिंता मत करो, अगली बार जब तुम्हारा बेटा होगा ना उसको मैं रक्षा करूंगा, अगर तुम्हारे बेटे को मैं रक्षा नहीं कर पाया तो मैं शरीर को मैं अग्नि में समाधि दे दूंगा। इतने में वो जो ब्राह्मण था बोले तू क्या रक्षा करोगे, जहां पर जगन्नाथ स्वयं कृष्ण, जहां पर बलदेव स्वयं, जहां पर प्रद्युम्न अनिरुद्ध चतुर्भुज यहाँ पर बैठे हुए, ये जब रक्षा नहीं कर पाए तू हीड़ा क्या कर लो। अर्जुन को तो और ताव आ गया, बोले क्या, मैं कृष्ण नहीं, मैं बलदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध नहीं, मैं कांडीवधारी अर्जुन हूं, अगर इस बार अगर तेरे बच्चों को मैं रक्षा नहीं कर पाया मैंने अग्नि समाधि दे दूंगा, लेकिन इतना काम करना तुम्हारी बच्चे होने से पहले मेरे को सूचित कर देना। बोले ठीक है। अभी उसका बच्चा होने वाला, जब बच्चा होने वाला भागते भागते आया, अर्जुन को बोला जल्दी जल्दी आओ अभी मेरा बच्चा होने वाले, और अर्जुन वहां पर गया, और अर्जुन तो साधारण है ही नहीं, उसने उठाया अपना गांडीव और ऐसे बाण मारा, उसका घर को पूरा चारों तरफ में छा दिया, जैसे हवा तक जाना कभी हिम्मत नहीं अंदर में ऐसे, और स्वयं गांडीव लेकर के एकदम दरवाजे में खड़े हो गए, बोले देखूंगा कौन आता है यहाँ पर। लेकिन हर बार क्या होता था, बच्चा जन्म होता था रोता था, लेकिन उसी समय प्राण छूट जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, बच्चा जन्म हुआ, रोया और शरीर समेत गायब, पूरा शरीर समेत गायब है। इतने में अर्जुन को क्या गाली, बोले हिगड़े तेरे तो मैंने पहले बताया था, जहां कृष्ण बलराम जहां चतुर्भुज रक्षा नहीं कर पाए और तू बड़े डी घांग रहा था, रक्षा करोगे, हर बार तो मेरे बच्चा था मृत शरीर रहता था, इस बार तो मृत शरीर कहीं गायब हो गया। लेकिन अर्जुन भी साधारण है नहीं, वहीं पर जोग समाधि में बैठ गया, बैठ करके अपना जोग द्वारा उन्होंने भूर भुव मोह जन तप सत्य है सत्य लोक तो चली गई और सब दुनिया को घूमे, अतल बिताल तल तल पातल सुतल सब लोक में गया, एकदम तन तन करके सारी जगह को ध्यान से ढूंढा, लेकिन वो मिला ही नहीं। लेकिन अर्जुन क्या था, मैं अग्नि समाज दूंगा, अभी सुने चिता जलाया जो रक्षा नहीं कर। बोले इतने में कृष्ण बोले आओ मेरे साथ में आओ, फिर कृष्ण को लेकर के, फिर कृष्ण अर्जुन को लेकर के फिर भगवान विष्णु के पास में गए। तो भगवान विष्णु के पास में गए, जब विष्णु के पास में गए उसी समय में है विष्णु कह रहे नारायण कह रहे, इसलिए नारायण कह रहे बोले प्रभु आपका ये रूप को मैंने दर्शन करने के लिए ही ये बच्चों को मैंने चोरी किया है, आपको रूप इतने सुंदर आप हो, केवल आपकी सुंदरता को दर्शन करने के लिए चोरी किया, प्रभु कृपा करके आप यहाँ पर आए, आपका चरण धूल यहाँ पर पड़ा, आपको दर्शन करके मेरे जीवन धन्य हो गया, जाओ इस सारे बच्चों को लेकर के आप वापस जाओ। फिर उन्होंने जितने बच्चे मरे हुए थे सारे बच्चों को उन्होंने वापस लेकर के फिर आए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कृष्ण इतने सुंदर है, नारायण स्वयं जिनके रूप को दर्शन करने के लिए उन्होंने चोरी किया नारायण है, कहते भैया नारायण की बात ही छोड़ दो, कृष्ण इतने सुंदर, बोले नारायण की बात छोड़ दो, बोले कृष्ण रे माधुर्य सुनी पासुदेव रखो, कृष्ण एक ही है, लेकिन वही कृष्ण जब वृंदावन में रहते हैं अरे वही कृष्ण जब मथुरेश रूप में है मथुरा में रहते हैं उसी समय मथुरा में उनके अंदर में जब वृंदावन का कृष्ण पूर्ण माधुर्य है, लेकिन जब वही कृष्ण मथुरा में उनके अंदर में कहते माधुर्य और ऐश्वर्य मिला हुआ है, ऐश्वर्य माधुर्य मिला हुआ है मथुरा में, इसलिए जो महिषियों का जो प्रेम है सामंजस्य क्या सामंजस्य सामंजस्य रहती है, समर्थ रहती ब्रज गोपियों में,
इसलिए कहते महिषियों में है। इसलिए वहां पर कृष्ण को यद्यपि कृष्ण वहां पर है, लेकिन वहां पर कृष्ण का ऐश्वर्य स्वरूप है, वहां पर कृष्ण की ऐश्वर्य। वहां पर कभी अगर रुक्मिणी को डांट लगा दे हैं, कभी अगर रुक्मिणी को कभी डांट लगा देते हैं, कभी सत्यभामा को भी डांट लगा देते हैं, कोई अगर इधर उधर करे उनको डांट लगा देते हैं, लेकिन ब्रज में तो कृष्ण को उल्टा डांट लगा देते हैं सबके सब। इसलिए वहां पर जो मथुरा में जो कृष्ण का जो स्वरूप है, वहां पर कुछ ऐश्वर्य मिला हुआ वहां स्वरूप है। इसलिए कहते हैं कृष्ण ने माधुर्य देखी वासुदेव को। इसलिए वसुदेव नंदन जो कृष्ण, जब ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण का रूप को दर्शन करते हैं, इनके अंदर में भी खोप प्रकट हो जाता है। इतने सुंदर कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर है। और जब ये महिषिया जब दर्शन करती है ना कृष्ण की सुंदरता का, जो महिषिया दर्शन करती वो तो पागल हो जाती है। इसलिए जिस समय कृष्ण कभी वृंदावन का चिंतन करते करते कभी बेहोश हो गए, जब कृष्ण बेहोश हो गए, अभी नारद जी को, नारद जब आए बोले अभी कृष्ण वृंदावन की चिंतन करते करते बेहोश हो गए, बताओ इनको होश कैसे करवाए, इनको होश कैसे करवाए। बोले देखो तभी इनकी होश होएगा अगर पूरा के पूरा वृंदावन वृंदावन का परिवेश अगर बना दिया जाए। बोले क्या किया जाए, बोले एक काम करो कृष्ण को गरुड़ को पीठ पर बैठाओ, बैठा करके इनको ले चलो, कहाँ ले चलो है, कहाँ ले चलो, नव वृंदावन है, नव वृंदावन स्थान का कोई नाम है, वहां पर ले चलो। जब उनको वहां पर ले गए और कृष्ण को पूरा के पूरा कृष्ण को वृंदावन का रूप में श्रृंगार किया। अभी कृष्ण का जो श्रृंगार है द्वारकाधीश श्रृंगार है, अब मथुरे से श्रृंगार है, पूरा के पूरा उनको पूरा वृंदावन में जैसे मयूर पंख है, बंसुरी है, जैसे फल फूल से कृष्ण को श्रृंगार करते हैं, पूरा वृंदावन का श्रृंगार। बलदेव प्रभु को भी एकदम वृंदावन का श्रृंगार दे करके, बलदेव वृंदावन में रहते जो श्रृंगार उनको श्रृंगार कराया, और वहां पर ब्रह्मा जी नव वृंदावन सृष्टि किया, ऐसे सुंदर बनाया, इतने सुंदर बनाया लग रहा था सचमुच से ये वृंदावन, एकदम वृंदावन जैसे सुंदर कुंज बनाए, भैया जसदा को बनाए, नंद बाबा को बनाए, बछड़े को बनाए, सखाओं को बनाए, और लग रहा था जैसे सचमुच से, हाँ जैसे ये सचमुच से ऐसे ही है, हैं? इतने में और वहां पर सब महिष लोग भी पहुंचे। इतने में नारद बोले काम करो तुम लोग कोई सामने नहीं आए, कृष्ण को पता नहीं चले मैं कहां पर, मैं द्वारका में हूं, उनको पता नहीं चले, इसलिए तुम लोग सब कैसे छुप जाओ, छुप करके कुंज में आड़ में रह करके वहीं से कृष्ण का रूप को देखो। पद्मा भी, कंस का जो मैया डोगरी वो भी कुंज में वो भी छुपी, कालंदी और रुक्मिणी सत्यभामा वो की सबके सब कुंज में, उद्धव आदि सबके सब कुंज की आड़ में सबके सब छुप गए। और इतने में नारद जी वृंदावन की बड़े सुंदर भजन गाए, नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमण नाम, जब वृंदावन के उन्होंने सुंदर भजन गाए। अभी कृष्ण तो वृंदावन को चिंतन करते 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 बेहोश हो गए थे, अभी कृष्ण का धीरे 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 कृष्ण का होश आया। जब कृष्ण का होश आया कृष्ण क्या सोच रहे हैं मैं वृंदावन में, जब अपना रूप को देखा क्या देखा, वृंदावन का श्रृंगार, बलदेव प्रभु को सामने देखा वृंदावन का श्रृंगार, सामने सब सखा लोग और मैया जसोदा वहां पर मक्खन लेकर के बैठी हुई, और राधा रानी हैं जैसे सखियां, जैसे कृष्ण चलते समय कुंज में जैसे आड़ से देखती हैं। इतने में कृष्ण जब उन्होंने होश आया, कृष्ण की जो हाव भाव कटाक्ष, जैसे गोपियों को दर्शन करते थे, मैया को दर्शन करते थे, जैसे सखाओं को, इतने सुंदर कह रहे हैं कृष्ण थे, जो कंस की मैया क्या क्या नाम थी, पद्मा, वो बूढ़ी एकदम थी, एकदम बूढ़ी थी, लेकिन कृष्ण का वृंदावन रूप देख करके भूल गई मैं बूढ़ी, अभी सोच रही मैं छोड़ी है, अभी वो सोच रही है मैं एकदम कुंवारी छोड़ी, एकदम है एकदम सुंदर लड़की, और उसने अपना धैर्य को धारण नहीं कर सके, कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ी, वो भूल गई मैं बूढ़ी। मतलब कृष्ण इतने सुंदर जो वृंदावन में रहते हैं, वो किसी तरह से उनको रोके, और सत्यभामा और जो रुक्मिणी ये रूप को देख करके बाबरी बन गई, अपना धीरज धारण नहीं कर सके, सबके सब कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़े, और कृष्ण
कभी कभी ये महिषियां कभी कभी सोचती थी ये वृंदावन की गोपियों ने कृष्ण को क्या जादू कर दिया है, हम एक से एक सुंदरी राजघराने की लड़की सारे विद्याओं में हम निपुण हैं, लेकिन पता नहीं कृष्ण जब हमारे पास में सोते हैं, सोते तो हमारे पास में लेकिन रोते हैं ब्रजवासियों के लिए, राधा रानी के लिए, गोपियों के लिए। हे ललिते तुम कहाँ हो, हे विशाखा तुम कहाँ हो, हे राधे तुम कहाँ हो, मैया जसोदा रात भर सोस रो रो करके आंखों का आंसुओं से तकिया भिगा देते हैं कृष्ण। क्यों ये लोगों ने क्या कृष्ण को जादू कर दिया है, जादू टोना क्यों कर दिया, कभी कभी सोचती थी। लेकिन आज जब उन्होंने कृष्ण का रूप को उन्होंने देखा, कृष्ण उनको अनुभूति क्या अनुभूति हुआ, सचमुच से कृष्ण ब्रजवासियों के ऊपर में जो इनकी प्रेम है, उनको जो ब्रजवासियों को जब देखते हैं कृष्ण, उनका नौकर का नौकर का नौकर को नौकर को जितने प्रेम करते हैं, कृष्ण हमें उतना प्रेम नहीं करते। उनको ये चीज अनुभूति हुई है, ये चीज उनकी अनुभूति हुई। कृष्ण जब वहां पर जगे, मैया जसोदा मक्खन लेकर बैठी हुई, कृष्ण घर में बोले मैया मैया मैंने रात को पता नहीं कितना किया मैंने स्वप्न देखा है, मैया देखो आज सूरज ऊपर उठ गए, आज बड़े दूर तक हमको गैया चराने के लिए जाना, अभी मैं गैया चराने के लिए जा रहा हूँ, जब वापस आऊंगा ना तेरे को मैंने सारी बात एक एक बताऊंगा। मैया मैंने स्वप्न देखा मेरी कितने शादी हो गई है, मेरे कितने बच्चे हो गए, शादी हो गई है, शादी हो गई मैया। लेकिन और जो थोड़ी सी दूर गए, जैसे गोपियां कुंजों की आड़ से कृष्ण को देखती थी, कृष्ण जैसे उनको तरफ में देखते थे, अरे कृष्ण उनको तरफ में जब देखते थे वृंदावन में रहते हुए, ये जो महिषियां जो देख रही ना, क्या प्रेम भरी दृष्टि, कृष्ण जो ब्रज में रहते थे क्या उनकी चाल है, क्या चाल अलबेली है, गजराज चले मस्त मस्त है, कृष्ण का जो चाल, उनकी जो देखनी रहनी सहनी अद्भुत उनकी थी। और राधा रानी का जब उन्होंने कृष्ण देखा कुंज से राधा रानी को, कृष्ण कह रहे थे लगता है तो उसने मेरे स्वप्न की बात समझ गई ना, मैंने इतना शादी की क्यों, राधा रानी थोड़ी सहन कर सकती है कृष्ण मेरे को छोड़कर इतना शादी कर लेंगे, इसलिए कह रहे बोले राधे लगता है तू मेरी मन की बात समझ गई हो, मैंने स्वप्न देखा जो बहुत मैंने शादी किया है, क्या तुमने समझ गई मेरी मन की बात, मैं जब रात में आऊंगा ना तेरे को मैं सांत्वना दूंगी, तेरे को मैं समझाऊ। कृष्ण जब थोड़ी दूर गए वहां पर देखा समुद्र, नील समुद्र, ये समुद्र कहां से आ गया, ये तो वृंदावन में यमुना, उन्होंने समुद्र क्या समझ गया, ये यमुना नदी जैसे, यमुना नदी काली है ना, समुद्र का पानी देखो एकदम नील यमुना जैसे, बोले भैया ये क्या है, ये समुद्र कैसे है, फिर उनको बोले ये क्या सब, फिर उन्होंने बलदेव प्रभु को जो पूछा, बलदेव प्रभु ने सारी बात बताया, बोले कन्हैया तो वृंदावन की चिंता करते 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 तुम बेहोश हो गए, तुम बेहोश हो गया था, तुमको होश दिलाने के लिए यहाँ पर तुमको लाया गया है, यहाँ पर लाया गया, हाँ इसका मतलब यहाँ पर ये सिखा देते हैं, कृष्ण जब वृंदावन में जब कृष्ण रहते हैं, इनकी माधुर्य को जब मथुरेश कृष्ण दर्शन करते हैं वही पागल हो जाते हैं, उनके अंदर में खूब प्रकट होता है, इनके अंदर में कृष्ण इतने सुंदर, बोले भैया मथुरे से कृष्ण का बात ही छोड़ दो, कृष्ण जब वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन में रहते हुए कृष्ण इतने सुंदर हैं, कहते अपर कलित पूर्वम कश्चमत कारकारी, कृष्ण अपना परछाई को जब मणि स्तंभ को ऊपर देखते हैं, कृष्ण अपना स्वयं प्रतिबिंब को देख करके कहते भैया ये कौन है, ये कौन है इतने सुंदर है, ये कौन है इतना सुंदर, इनकी कृष्ण स्वयं अपना माधुर्य को देख करके कृष्ण स्वयं मुक्त हो जाते हैं, और मुक्त होकर के इनके मन में क्या इच्छा होता है, कब मैं राधा रानी बन करके, कब मैंने ये रूप को मैं कब मैं आलिंगन करूंगा राधा रानी बनकर, इसलिए कलयुग में क्या है, स्वयं कृष्ण ही राधा जी की भाव अंगकांति लेकर के कलयुग में श्री सच्चिदानंद श्री गौर हरि बन करके आए, इसलिए यहाँ पर कृष्ण सोच रहे हैं मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ, कोटि कंदर्प कमनिया विशेष शोभम, लेकिन मैं तो इतना सुंदर हूँ, लेकिन जब मैं श्री राधा रानी की
सुंदरता को मैं जब देखता हूँ ना, है राधा रानी की, जब मैं सुंदरता को देखता हूँ, कहते बंसी करान निपतित स्खलितम शिखंडम भ्रष्टंच पीत वसनम ब्रजराज सुनो। इसलिए राधा रानी की है, राधा रानी के रूप को देख करके मेरे हाथ से बंसुरी गिर जाती है, मगर मुकुट गिर जाते हैं, कहते कब मेरे वस्त्र भी गिर जाता है, मेरे को भी पता नहीं चलता। कृष्ण इतने सुंदर, कृष्ण इतने सुंदर, लेकिन राधा रानी को सुंदरता को देखकर कृष्ण सोच रहे हैं क्या राधा जी के अंदर में क्या सुंदरता है। इसलिए कद ये कद कद कृष्ण कितने सुशीतल है, कृष्ण सोच रहे हैं कद मैं इतने सुशीतल हूं, हैं बोले नित्य पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छायाए जगत जुड़ाए। कृष्ण बड़े सुंदर है, सुशीतल है, कृष्ण शरीर बड़े कोमल है, कृष्ण का शरीर बड़ा कोमल है, कृष्ण का शरीर, लेकिन मेरा शरीर तो इतना सुंदर कोमल है, लेकिन लेकिन जब मैं श्री राधा रानी के शरीर को स्पर्श करता हूँ, राधा रानी की शरीर इतने कोमल है, जिनके शरीर को स्पर्श पा करके मेरे शरीर भी सुशीतल हो जाता है। कृष्ण सोच रहे हैं मेरे शरीर में हैं बड़े सुंदर सुगंध, मेरे शरीर में हैं, मेरे शरीर में बड़े सुंदर सुगंध है, मेरे शरीर का सुगंधता को पा करके हैं कृष्ण जब प्रवेश करते ना कहीं, केवल उनकी सुगंधता को देख करके राधा ने समझ जाती है यहाँ पर कहीं कृष्ण है, लेकिन इतने सुगंध कृष्ण शरीर में, लेकिन राधा रानी का एक गुण है, क्या गुण है, क्या बोलो क्या गुण है, उन्मादिता, क्या क्या बोलो, नहीं उनको राधा रानी की शरीर में गंध उन्मादिता है, बताए राधा रानी के शरीर में गंध उन्मादिता, बड़े सुंदर सुगंध श्री राधा रानी के शरीर में है, राधा रानी का शरीर में। एक समय क्या हुआ, एक समय कृष्ण राधा रानी कृष्ण दोनों लुको चोरी खेल रहे, क्या उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ लुको चोरी, जिसको लुका छुपी खेल रहे थे, कभी कृष्ण चोर बनते हैं, कभी श्री राधा रानी चोर बनती है। अभी कृष्ण चोर बने, जब चोर बने तब कृष्ण का आंख को बंद किया, जो आंख को बंद किए इतने में कृष्ण राधा रानी जा करके कुंज में छुप गई, जब राधा रानी कुंज में छुप गई अभी कृष्ण का आंख खोले, बोले ढूंढो राधा रानी कहाँ पर है, जब राधा रानी को ढूंढो अभी, लेकिन राधा रानी कहीं मिल नहीं रहे, राधा रानी कहीं मिल नहीं रहे, लेकिन इतने में कृष्ण ने देखा एक कुंज में है, एक कुंज में भौंरा जाकर के वहां पर चारों तरफ में बढ़ रहा रहे, भौंरा जाकर बढ़ रहा रहे, बोले क्यों, राधा रानी के शरीर से जो गंध उन्मादिता इतने सुंदर सुगंध निकलती है राधा जी के शरीर में, कहते भौंरा भी वहां पर जाकर के बढ़ा रहे थे, कृष्ण समझ गए यहीं पर से राधा रानी यहीं पर छुपी हुई है, फिर जाकर के राधा रानी को वहीं से प्राप्त किया। और ये बताए जब बसंती रास में जब कृष्ण अंतर ध्यान हो गए पैठा में, कृष्ण ने चतुर्भुज रूप धारण करके बैठ गए वहां पर, गोपियां गई और उनका रूप देख करके बोले नारायण, नारायण का रूप धारण किए हुए थे, बोले हमारे श्री श्याम सुंदर कहीं देखे हो, लेकिन तो स्वयं श्याम सुंदर है, हाँ वो स्वयं श्याम सुंदर है, कहीं देखे हो, वो तो चुपचाप बैठे, गोपियां वहां चली गई, लेकिन जब श्रीमती राधा रानी आई ना, केवल राधा रानी जब आई, केवल राधा रानी के शरीर का सुगंध से ही क्या हुआ, उनका जो दो शरीर दो उनकी हाथ था वो अपने आप अंदर में प्रवेश कर गया, अपने आप बैठा मतलब अंदर में प्रवेश कर गया, केवल राधा रानी के शरीर की सुगंध से। इसलिए कृष्ण सोच रहे मैं इतना सुंदर मेरे शरीर में सुगंधता है, लेकिन जब श्री राधा रानी की सुगंधता को मैं प्राप्त करता हूँ, राधा रानी में पता नहीं क्या सुगंध है, मेरे को भी ये पागल उन्माद कर देता है राधा रानी की सुगंधता। कहते राधा रानी को, कहते मेरा जो रूप है विश्व ब्रह्मांड मेरे रूप को देख करके सबका नयन सुशीतल हो जाता है,
लेकिन जब मैं राधा रानी को दर्शन करता हूँ मेरे आँख सुशीतल हो जाता है। इसलिए कहते सारा दुनिया मेरे अधरामृत से विश्व ब्रह्मांड मुक्त है, लेकिन जब राधा रानी के अधरामृत को मैं पान करता हूँ मैं स्वयं मुक्त हो जाता हूँ। इसलिए कहते अमार मध्य क्या ऐसे रस है जो कि श्रीमती राधा रानी हमें पागल बना देती है, राधा रानी हमें पागल बना देती है। कहते ये सब चीज को आस्वादन करने के लिए क्या हुआ, अभी श्री श्याम सुंदर ने देखा है, क्या देखा, बोले जब तक मैंने राधा रानी से दो चीज उधार नहीं लेता हूँ तब तक ये चीज को मैं समझ नहीं सकता हूँ। उन्होंने क्या लिया, राधा रानी के भाव और अंग कांतियों को ग्रहण करके उन्होंने कलयुग में आए। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, बोले पूर्णानंदमय आमी चिन्मय पूर्ण तत्व राधिकार प्रेम आमाए कराए उन्मत। कृष्ण कौन है, बोले पूर्णानंद में हूँ मैं, सचिदानंद स्वरूप हूँ मैं, पूर्ण तत्व हूँ, लेकिन पता नहीं राधिकार प्रेम में क्या है जो हमें राधा रानी का प्रेम उन्माद कर देते हैं। इसलिए गुरुदेव कथा सुनाते हैं, कहाँ की कथा सुनाते हैं, कहते श्री प्रेम सरोवर की, श्री प्रेम सरोवर की कथा सुनाते हैं। जैसे एक समय श्री राधा रानी है श्याम सुंदर की गोद में राधा रानी बैठी हुई, और इतने में कहते एक भौंरा ने आ करके राधा रानी के गले में जो सुंदर एक कमल का फूल माला थी वो फूल की माला के ऊपर में एक भौंरा आकर के मड़ रहा था। तो राधा रानी डर के मारे वो भौंरा को भगाना चाह रही थी, लेकिन राधा रानी कहते जो स्त्री जाती है ना, कहते एक पद्मिनी, एक संकीनी और एक है क्या चित्रिणी और एक हसनी, एक गजनी है, गजनी, ऐसे भी स्त्री जाति में चार पांच तरह का स्त्री जाति है, उसमें एक है स्त्री जाति में बताए एक पद्मिनी। पद्मिनी मतलब जिनके शरीर से कमल फूल का खुशबू निकलती है, इसलिए राधा रानी पद्मिनी, इनके शरीर से कमल फूल का खुशबू निकलती है। इतने में राधा रानी जब भौरा को भगाने के लिए चाहती है, लेकिन राधा रानी के शरीर से ही तो कमल फूल का खुशबू निकलती है, वो भौरा भागेगा क्या, और पास में वो भौरा और ज्यादा पास में आ रहा है। अभी राधा रानी जब डर गई, श्याम सुंदर ने मधुमंगल का आदेश दिया, बोले मधुमंगल ये भौरा राधा रानी को तंग कर रहा है, जाओ तो ये भौरा को भगा करके आओ। तो मधुमंगल ने एक लठिया लेकर के आया और भौरा को भगाते बड़ी दूर तक उन्होंने भगा करके जब आए, बोले भगा दिया, बोले मैंने मधुसूदन को इतने दूर में जाकर दूर तक मैंने भगा करके आया, मधुसूदन और यहाँ आ ही नहीं सकता। अभी राधा रानी कृष्ण की गोद में बैठी हुई, देखो यहाँ पर राधा रानी की प्रेम की है चमत्कारिता को बता रहे है, प्रेम की चमत्कारिता को बता रहे। राधा रानी अभी कृष्ण की गोद में बैठी हुई, लेकिन जब सुना मधुसूदन को इतना दूर तक भगा करके आया और मधुसूदन आ ही नहीं सकता है, क्योंकि भौरा का एक नाम मधुसूदन है जो मधुओं को जो आहरण करता है संग्रहित करता है, और कृष्ण का नाम भी मधुसूदन, क्यों, भक्त रूप प्रेम को जो मधु को जो आस्वादन करते हैं। अभी तो राधा रानी कहते ये चित्र जल्प है, कहते चित्र जल्प का लक्षण क्या है, बोले अभिजल्प प्रजल्प संजल्प, कहते जो चित्र जल्प है इसका लक्षण है कृष्ण पास में रहते हुए भी, कृष्ण वहीं पर है लेकिन उनको लगता है जैसे कृष्ण वहां है नहीं। इतने में राधा रानी तो हा कृष्ण करते 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 उनको गोद में ही बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई, अभी राधा रानी के प्रेम को देख करके कृष्ण सोच रहे हैं, भैया लगता है मेरे को और वृंदावन में ज्यादा दिन नहीं रहनी चाहिए, राधा रानी मेरी गोद में बैठी हुई और राधा रानी के प्रेम की ऐसे महिमा है, और मधुसूदन को भगा करके आ गया, इतना सुनते ही बेहोश हो गए। लेकिन जब मैं नहीं रहता हूँ, राधा रानी क्या करती है, तमाल वृक्षों को आलिंगन करते हुए कृष्ण सुख का आस्वादन करती है, मैं को देख करके कृष्ण रूप मान करके मैं को साथ में बात करती है, मरुपंख देख करके
कृष्ण की स्मृति, उनकी हृदय में कृष्ण की स्मृति, उनको साथ में बात, उनके साथ बातचीत करती है। और राधारानी बड़ी चिंतन करते 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 बेहोश हो जाती है ना, क्या देखती है, कृष्ण की गोद में मैं बैठी हूँ, कृष्ण की गोद में मैं कृष्ण से मिल रही हूँ, लेकिन मैं पास में रहते हुए भी हाँ राधा रानी की ऐसे प्रेम है, इसलिए लगता है मेरे को वृंदावन और ज्यादा दिन नहीं रहनी चाहिए, पर वृंदावन को मेरे को छोड़ करके चली जानी चाहिए। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कृष्ण सोच रहे हैं, बोले भैया राधा रानी का जो प्रेम है, हैं सदा अमाय कराय उन्मत, हैं सदा अमाय नाना नृत्य नाचाय उद्भट, राधा रानी का प्रेम में क्या ऐसे बल है, ना जाने राधा रे प्रेम में अच्छे को तो बल, जे बोले अमाय करे सदाई प्योर, क्या राधा रानी के प्रेम में बल है जो प्रेम मेरे को भी पागल बना देता है, मेरे को भी नचा देती है। तो यहाँ पर श्री कृष्णदास के ब्रज गोस्वामी एक श्लोक को उद्धृत करते हैं, बोले कस्माद वृंदे प्रिय सखी, कैसे राधा रानी का प्रेम कैसे कृष्ण को नचा देती है। इतने में श्री वृंदा देवी जब श्री राधा कुंड से आई, हैं राधा कुंड से आई, इतने में कृष्ण, इतने में राधा रानी पूछ रही है, बोले वृंदे प्रिय सखी तुम कहाँ से आ रही हो, बोले राधा कुंड से, बोले राधा कुंड में, बोले तुमने क्या देखा, बोले मैंने देखा श्याम सुंदर नृत्य कर रहे थे, बोले कह गुरु, बोले श्याम सुंदर का गुरु कौन है, हाँ गुरु कौन है, बोले राधा कुंड का जितने लता पता है ना, जितने लता पता श्री राधा कुंड के, वो भी साधारण कोई लता पता नहीं, सब के सब राधा रानी के भाव में ये विभावित है, राधा कुंड का जितने लता पता, कहते लता पता को ही राधे तुम्हारी स्वरूप मान करके, उनको ही गुरु मान करके श्याम सुंदर और लता पता से ही नृत्य विद्या सीख रहे थे। मतलब राधा रानी का जो प्रेम है क्या करती है, कृष्ण को भी नचा देती है। इसलिए कृष्ण सोच रही है ऐसे क्या ताकत है राधा रानी की प्रेम में, हैं कहते राधा रानी कौन है, बोले हमारी प्रेम की गुरु श्री राधा रानी, कृष्ण राधा रानी को अपना गुरु बना करके उनसे ही सारे प्रेम को शिक्षा को प्राप्त करते हैं। इसलिए ये सब चीज को आस्वादन करने के लिए कृष्ण सोच रहे हैं, कहते निज प्रेमास्वादे मोर जे आनंद ताते कोटि गुण राधा प्रेमास्वादे, राधा रानी को दर्शन करके मेरे को जितना आनंद होता है उससे करोड़ों गुण राधा रानी मेरे प्रेम को आस्वादन करती हैं। राधा प्रेम विभुवार बाड़ी ते ना स्थाई तथा भी से क्षण क्षण बढ़े सदाई, यहाँ पर राधा रानी प्रेम की महिमा बता रही है, कहते विभुर कल न सदा भी वृद्धि, कहते कृष्ण को देखकर राधा रानी को आनंद, राधा रानी को देख करके कृष्ण का आनंद होता है, दोनों को अंदर में होड़ लग जाती है, होड़ लगते 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 एक होता ना एक सीमा विशिष्ट होता है, हैं कहते एक सीमा पर पहुंचने का बाद में भी उसको ऊपर में भी राधा रानी का प्रेम बढ़ती रहती है, कृष्ण का प्रेम तो जा जा कर एक जगह पर रुक जाती है, उसको ऊपर नहीं जा पाती है, हैं लेकिन उसको ऊपर में भी राधा रानी का प्रेम उसको ऊपर भी बढ़ती रहती है, मतलब जिसका कोई था नहीं। इसलिए कहते गुरु होकर के भी गौरव आचरण विहीन है और शुद्ध होकर के भी राधा रानी का प्रेम हर समय कुटिल है, हर समय कुटिल है, राधा रानी शुद्ध है लेकिन राधा रानी का जो मान दो तरह का मान होता है, कितने तरह का, क्या क्या, एक साहित्य की और एक अहितु की, एक साहित्य की मान और एक अहितु की मान है, और जो साहित्य की मान भी तीन प्रकार होता है, कितने प्रकार, कैसे कैसे, कहते देख करके सुन करके और अनुमान करके, देख करके सुन करके और अनुमान करके, बोले अनुमान करके कैसे, बोले जैसे आज श्याम सुंदर बोले हे राधे आज तुम्हारे साथ में यहीं पर मैं मिलूंगा, अभी राधा रानी सुंदर कुंज बनाकर बैठी हुई, सुंदर श्रृंगार करके बैठी हुई, लेकिन जो एक निर्दिष्ट समय था वो समय बीतते जा रहा है, अभी राधा रानी सोच रही है ये हो ना हो चंद्रावली बीच में तो नहीं आ गई, कृष्ण को बीच से तो अपहरण करके ले गई, नहीं तो इतना लेट क्यों रहा है, और जब कृष्ण जब आते हैं लेट में अनुमान करके बोले इतना लेट क्यों हुआ, कहाँ गए थे, हैं कहते अनुमान करके एक मान होता है,
और ये होता है सुन करके, कभी कभी सुन करके, बोले सुन करके कैसे मान होता है। अभी राधा रानी सुंदर कुंज बनाकर बैठी हुई, अभी कृष्ण गोचारण करने के लिए आए थे, अभी उन्होंने कुसुम सरोवर में आकर के सखाओं को बोले देखो आज एक निमंत्रण में जा रहा हूँ। वो आ रहे थे श्री राधा रानी से मिलने के लिए, लेकिन इतने में चंद्रावली भी, वो भी सुंदर कुंज बनाकर बैठी हुई, उनकी सखी जो पद्मा वो भी ढूंढ रहे श्याम सुंदर तो आई गोचारण करने के लिए कहा। और इतने में जो पद्मा आकर के कृष्ण को बीच से बोले हमारी सखी आपके लिए इंतजार कर रहे हैं चलो। कृष्ण बहाना बना रहे थे, इतने आ गई कौन, चंद्रावली आ गई, बोले कहाँ जा रहे हो चलो, लेकर चले गए। अभी राधा रानी का एक तोता है जो विचक्षण तोता, कहते राधा रानी कहते वहां पर तीन तोते हैं, कहते कि विचक्षण तोता और एक मंजुवासी और एक सुभा, कहते ये तीन तोते हैं, ये तीन काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। और एक राधा रानी प्रिया सुख से वृषभान जाया, राधा रानी को जो प्रिय तोता वो आकाश में घूमती रहती है, वो देखती रहती है कृष्ण कहाँ गए नहीं गए, वो सारी खबर पहुंचाती श्याम सुंदर के पास में। उसने आ करके राधा रानी को बोले हे राधे तुमने आज जो ये सुंदर कुंज बनाए और जो सुंदर श्रृंगार बनाए सब व्यर्थ हो गया। बोले क्यों, बोले कृष्ण तो बीच से अपहरण हो गए। बोले कैसे, बोले चंद्रावली आकर के जोर जबरदस्ती कृष्ण को लेकर चले गए। कहते इसको कहते हैं श्रुत, श्रुत मान सुन करके राधा रानी है, राधा रानी दुर्जय मान करते, और ये क्या हो गया श्रुत, और एक होता है देख करके है, कभी देख करके मान होती है। बोले देख करके ऐसे मान होती है, बोले एक समय से राधा रानी एक सुंदर फूलों की माला बनाया बिना धागा की है, बिना धागा की एक सुंदर फूलों की माला बनाई, बनाकर किसी श्याम सुंदर को गला में पहनाए। जब पहनाए इतने में श्याम सुंदर ने राधा रानी से मिलने के लिए बीच में बाधाए जान करके गला से उसको उतारे और एक पेड़ गोबरे में लटका दिए, लटका दिया तो इतने में एक तोता ने क्या किया, वो माला को दांत में पकड़ करके उड़ते हुए जा रहा था। जब उड़ते हुए जा रहा था बीच में है ये जो बीच में चंद्रावली ने देखा ये तो श्याम सुंदर का प्रसाद वाला, तो उसने क्या किया अनार की दाना की लोभ दिखा करके तोते को बुलाया, बोले इधर आजा अनार की दाना तुमको देख दूंगी। अभी उसको दाना की लोभ दिखा कर ना वो माला को उसने ले लिया, माला को लेकर के अपना जो बेणी है, अपना जो बेणी जो बाल में उसमें बड़ी सुंदर उन्होंने सजा दिया, बेणी को सजा दिया। थोड़ी देर बाद में ललिता जब देखती है बोले ये फूलों की माला तो राधा रानी बना करके श्याम सुंदर को गला में दिया था, ये चंद्रावली की चोटी में कैसे आ गए। बोले राधे श्याम सुंदर को तो प्रेम करना आता ही नहीं, देखो तुम कितने प्यार से फूलों माला पहना है, देखो माला कहाँ पर है। राधा रानी जब देखा है ना तो राधा रानी को दर्शन करते राधा रानी को मान हो गए। इसलिए इस विभिन्न कारणों से ये सब के सब ये मान होता है विभिन्न कारणों से। इसलिए मैंने इस बात क्यों बताया बोले किस लिए मैंने बात बताई, हाँ इसलिए हाँ कहते विभुर कहते शुद्ध होते हुए भी, कहते राधा रानी का प्रेम शुद्ध होते हुए वक्र गति है कभी कभी टेढ़ी बनी जाती है राधा रानी, क्यों कहते न तथा विप्रलंब है न संभोग पुष्टि मे, कहते जब तक विप्रलंब नहीं हो तब तक मिलन रस पूर्ण नहीं होता है। इसलिए कहते वो शुद्ध होते हुए भी कहते वो वक्र गति है, कहते वो वक्र गति ऐसे जयती राधा रानी का जो प्रेम है ऐसे मुरदुष्य राधिका अनुराग, ऐसे राधा रानी के प्रेम का जो अनुराग ये अद्भुत रूप में, कहते यह सब चीज को आस्वादन करने के लिए कहते राधा भाव दूत सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। इसलिए कलयुग में उन्होंने देखा राधा रानी का भाव जब तक ये अंग कांति को नहीं लो तब तक ये चीज को मैं आस्वादन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए उन्होंने ये दो चीज को लेकर के कलयुग में श्री सचिनंदन श्री गौरहरि रूप में महाप्रभु आए। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्रीमन नित्यानंद प्रभु की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। स्वरूप गोस्वामी उज्जवल निर्मल सब बहुत तेज चले बोला हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण बोलो Hari Ram, 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 Hari Ram,
आत्मदन राधा रमन राधा श्याम सुंदर राधा गुलाब राधा मधुर विजय हरि 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 बोल की जय।